जिला मुख्यालय से सटे गांव कोटला खुर्द में हत्या कर फेंके के शव का मामला पुलिस ने सुलझा दिया है। अन्य राज्य के व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक के पास गहरी खाई में मिला था। ऊना पुलिस ने हत्या के रूप में आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों की पहचान कल्लू पुत्र रामगोपाल निवासी गांव ज्योति थाना हजरतपुर तहसील दातागंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश में, जगदीश पुत्र मनोहर निवासी रामपुर खुई थाना हजरतपुर तहसील दातागंज उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। दिनांक 5/12/2021 को एक शव हमें कोटला खुर्द रेलवे ट्रैक के समीप जंगलों में मिला, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर RPGMC टांडा मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में मेडिकल ऑफिसर के ओपिनियन में उस व्यक्ति की हत्या गला रेत कर होना पाई गई, जिस पर हमने दो व्यक्तियों को कस्टडी में लिया, जिनका नाम कल्लू और जगदीश थे, जो कि बदायूं यूपी के रहने वाले थे। मृतक की शनाख्त उसके पोते ने की, जिसका नाम धनपाल बदायूं का रहने वाला है। दोनों व्यक्तियों को कस्टडी में लेकर हमने CDR एनालिसिस, CCTV फुटेज और इंटरोगेशन के दौरान उन दो व्यक्तियों द्वारा धनपाल की हत्या करना पाई गई, जिस बिना पर हमने दो व्यक्तियों कल्लू और जगदीश को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जिस पर हमें पुलिस कस्टडी 3 दिन मिली। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट।